सर मैं रोज कितने घंटे पढ़ाई करूं? यार ये दुनिया का इतना यूजलेस क्वेश्चन है ना, हम लोग अपने से ये नहीं पूछते कि मैं कितना आउटपुट दूं, कितना प्रोड्यूस करूं, हम अपने से ये पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करें। कैल न्यूपोर्ट, जो कि इस बुक के ऑथर हैं डीप वर्क, रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, बोलते हैं वर्क accomplished इज इक्वल टू टाइम स्पेंट into इंटेंसिटी ऑफ फोकस। अब टाइम स्पेंट तो आपकी श्रद्धा है, जितना आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो फोकस की स्ट्रेटेजीज के ऊपर है। अब आप सोचेंगे इस ऑथर ने किया क्या है, तो कैल ने PhD करी है MIT से, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके बाद अभी ये एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। तो मुझे लगता है कि इन्होंने इतनी पढ़ाई तो की है कि ये हमें फोकस करने की स्ट्रेटेजी तो पक्का दे सकते हैं। कैल के अकॉर्डिंग लोग दो तरीके से काम करते हैं, डीप वर्क एंड शैलो वर्क। अगर आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हो ताकि आप ज्यादा चीजें अचीव कर पाओ कम टाइम में, तो आप डीप वर्क कर रहे हो। जबकि अगर आप ऐसा काम करते हो जिसमें आपका ब्रेन यूज नहीं हो रहा और डिस्ट्रैक्शन के साथ भी वो काम हो सकता है, तो आप शैलो वर्क कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम करते करते अपनी ईमेल्स चेक कर रहे हो, हर पुश नोटिफिकेशन पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बार बार फेसबुक फीड्स देख रहे हो, तो आप शैलो वर्क कर रहे हो। कैल बोलते हैं कि आजकल के डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में डीप वर्क करना बहुत ज्यादा रेयर हो गया है, और इसीलिए ये स्किल बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, और फ्यूचर में जिसके पास भी ये स्किल होगी वो ही अपनी फील्ड में बेस्ट परफॉर्मर बनेगा, एक क्राफ्ट्समैन बनेगा। कैल बोलते हैं कि हमें डीप वर्क करने के लिए चार चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, पहला सिंगल टास्किंग, दूसरा जीरो डिस्ट्रैक्शंस, तीसरा इंटेंस फोकस, और चौथा एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। चलिए इन चार चीजों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। रिसर्च बार बार प्रूव कर चुकी है कि मल्टीटास्किंग से आपकी अटेंशन कम होती है। जब भी आप टास्क ए से टास्क बी में शिफ्ट होते हो तो आपकी अटेंशन काफी टाइम तक पुराने टास्क टास्क ए पर ही रहती है, जिसकी वजह से आप टास्क बी पर पूरे तरीके से फोकस नहीं कर पाते। जब भी हम थोड़े टाइम के बाद सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस पर रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमें ऊपर से ऐसा लग सकता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, बट एक्चुअल में आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा है उस डिस्ट्रैक्शन की क्रेविंग के लिए। कभी आपने देखा है कि नोटिफिकेशन आती भी नहीं है, फिर भी आप खुद फोन उठा के उसे अनलॉक करके फोन में देखने लग जाते हो। ये एग्जांपल है आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग का। इसके लिए कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक में एक इंटरेस्टिंग स्टडी के बारे में बताया है। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को कुछ पजल सॉल्व करने के लिए दिए। इनमें से आधे लोगों को जिन्होंने अभी पजल सॉल्व नहीं किया था उन्हें बीच में ही इंटरप्ट कर दिया गया और बोला गया कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि आपने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, और फिर इनसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए। जबकि दूसरे ग्रुप को पजल कम्प्लीटली सॉल्व करने दिया गया और बाद में उनसे सेम क्वेश्चंस पूछे गए। अब आप पूछेंगे इसका रिजल्ट क्या रहा? ऑब्वियसली जो लोग पजल को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके थे उन्होंने उस टेस्ट में बेटर परफॉर्म किया दूसरे ग्रुप के कंपैरेटिवली, जिन्हें बीच में ही इंटरप्ट करके बुला लिया गया था क्योंकि उनके ब्रेन में पजल से रिलेटेड रेजिड्यू रह गया था जिसकी वजह से वो उस टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाए। नेक्स्ट आता है जीरो डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों 2012 में एक रिसर्च की गई थी जिसमें साइकोलॉजिस्ट हॉफमैन और बॉमेस्टर ने 205 लोगों पर स्टडी करी, जिससे ये पता चला कि हम अपने आप को बार बार सोशल साइट्स और ईमेल्स देखने से 50% बार ही रोक सकते हैं, यानी हर 100 नोटिफिकेशंस में से आप 50 तो पक्का ही देखेंगे। अब इमेजिन कीजिए अगर ये सब सच है तो ये तो पक्का शैलो वर्क की रेसिपी है। ऐसे में फोकस करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इंटेंस फोकस की। अगर हम अपनी सारी एनर्जी बिना डिस्ट्रैक्शन के एक सिंगल टास्क पर लगा लेते हैं एक मैग्नीफायर ग्लास की तरह, तो हम ज्यादा काम कम टाइम में कर सकते हैं। और फाइनली आता है एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी डीप वर्क करने के लिए आपको एक मिनिमम टाइम के लिए उस टास्क को करते रहना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप डीप वर्क 5 मिनट के लिए करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर 5 मिनट के लिए करेंगे। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम होना चाहिए, वो बेशक हाफ एन आवर हो सकता है, जो टाइम के साथ साथ उसको 1 आवर, 1.5 आवर्स, 2 आवर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम समझ गए डीप वर्क के लिए हमें एक टाइम पर एक ही टास्क करना है, बिना डिस्ट्रैक्शन के करना है, पूरी फोकस के साथ करना है और काफी समय तक करना है। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है कि हम ये करें कैसे। इसके लिए ऑथर ने 4 रूल्स दिए हैं, जिसमें रूल नंबर 1 आता है वर्क डीपली। कैल बोलते हैं कि अच्छी इंटेंशन से काम नहीं चलेगा। अगर आपको एक्चुअल में डीप वर्क करना है तो आपको अपनी लिमिटेड विल पावर को बहुत सोच विचार के खर्च करना पड़ेगा। डीप वर्क करते समय आपको हर डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर रखना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस वक्त आपके टेबल में ना कोई सेलफोन, ना कोई एक्स्ट्रा पेपर, ना कोई एक्स्ट्रा बुक होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करेगी। इसके लिए ऑथर बोलते हैं कि आप इन 4 फिलॉसफी में से एक फिलॉसफी चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका आता है
मोनेस्टिक अप्रोच, यानी सन्यासी की तरह अपनी हर चीज को त्याग देना जब तक आपको आपका गोल नहीं मिलता, चाहे वो सोशल वेबसाइट हो या फिर फ्रेंड्स। इस फेमस टेक्निक को यूज करके बहुत सारे लोग अपने गोल्स को अचीव कर चुके हैं, जैसे कि J.K. राउलिंग। जब 2007 में हैरी पॉटर की फाइनल बुक लिखने जा रही थी तो उन्होंने पूरी की पूरी बुक एक होटल में अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से दूर जाके लिखी। वो कहती हैं कि बच्चों का चिल्लाना, टेलीविजन, कुत्तों का भौंकना, ये सब उन्हें बहुत डिस्टर्ब करता था और उन्हें एक आइसोलेशन चाहिए थी। 1974 में बिल गेट्स जब बेसिक का पहला वर्जन लिख रहे थे तो 8 हफ्तों तक वो उसी प्रोग्रामिंग पे काम करते रहे। उनके फ्रेंड्स बताते हैं कि जब वो थक जाते थे तो वो उसी टेबल पर सो जाते थे जिस पे वो काम कर रहे हैं, और इसी सॉफ्टवेयर की वजह से उन्होंने $1 बिलियन कंपनी की फाउंडेशन रख दी थी। इवन IIT टॉपर सर्वेश मेहतानी, ऑल इंडिया रैंक 1, JEE एडवांस 2017, ने कभी भी अपने 2 साल के प्रेपरेशन टाइम में कोई सोशल वेबसाइट यूज नहीं करी। बार बार इशू आता है कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं स्टूडेंट, तो आप सोशल मीडिया पर किस तरह रहते? सोशल मीडिया पर थे आप? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर? हार्डली कुछ सोशल, ट्विटर तो पता नहीं आज तक चलाया भी नहीं, पता भी नहीं यूज कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सोशल मीडिया चलाया था, लेकिन ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था सोशल मीडिया इन 2 सालों के लिए, क्योंकि पता था वो जरूरी होता है गिव अप करना ताकि कुछ अच्छा रहेगा। डीप वर्क को करने का दूसरा तरीका आता है बाय मॉडल अप्रोच। इस अप्रोच में जब भी आप हाई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं तो आप एक आइसोलेटेड जगह में चले जाते हैं और उस टाइम के लिए आप सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं और उस काम पर प्री डिसाइडेड टाइम स्पेंड करने के बाद वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड लिखने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसने उन्हें मिलियनेयर बना दिया। आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए लाइब्रेरी में जा सकते हैं या किसी ऐसे कमरे में जहां पर कोई ना आता हो, कोई नॉइज ना हो और आपके सेलफोन्स ऑफ हो। दोस्तों, थर्ड टेक्निक आती है रिदमिक अप्रोच। इसमें आप टाइम ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 घंटे के लिए आप सिर्फ अपना फोकस्ड डीप वर्क करेंगे, उस टाइम नो सेलफोन, नो फ्रेंड्स, नथिंग, और उसके बाद 1 घंटा एंजॉय एंड अगेन 1 आवर वर्क। आप इन टाइम स्लॉट्स के अमाउंट को अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। लास्ट आती है जर्नलिस्टिक अप्रोच। ऐसे लोग जो फुल टाइम जॉब करते हैं और उनके पास डीप वर्क में जाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, वो इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जब भी फ्री टाइम मिलता है वो अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को ऑफ करके एक हाईली इंटेंस्ड फोकस मोड में चले जाते हैं और पूरे दिन में जितना पॉसिबल हो उतने टाइम स्लॉट्स डेडिकेट करते हैं। डीप वर्क के लिए रूल नंबर 2 आता है एम्ब्रेस बोर्डम। हम में से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि वो आसानी से डिस्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में स्विचिंग कर सकते हैं, लेकिन ये गलत एटीट्यूड है। एक बार जब आपका ब्रेन वायर हो जाता है डिस्ट्रैक्शन के लिए तो उसके बाद आपको उसकी क्रेविंग होती है, तलब होती है, और आप हर बार अपनी यूजलेस नोटिफिकेशंस देखते रहेंगे, और अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आएगी तो भी आप अपना मोबाइल उठा के उसे देखने लग जाएंगे। इस पर कैल बोलते हैं कि जब भी आपको क्रेविंग हो अपना मोबाइल देखने की या डिस्ट्रैक्ट होने की, तो बार बार कॉन्शियसली अपने ब्रेन को अपने काम की तरफ फोकस करें। इससे धीरे धीरे आपकी डिस्ट्रैक्शन रेजिस्टिंग मसल्स बिल्ड होंगी और आप ज्यादा देर तक एक सिंगल टास्क पर डीप वर्क कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप बोर होने लगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मोबाइल उठा के नेट सर्फिंग करने लगे। आपको अपने फ्री टाइम में भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा और अपनी विल पावर मसल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए कैल बोलते हैं कि आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप अपना एक मॉर्निंग रूटीन बना सकते हैं जिसमें आप प्लान करेंगे कि आप पूरे दिन क्या क्या करेंगे। अगर आप सिर्फ इतना सा एक्स्ट्रा स्टेप भी कर लेते हैं तो आप अपनी मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि जब भी आप किसी स्पेसिफिक रूट से जाते हैं तो वहां पे आपको फ्रेंड्स मिल जाते हैं जिनके साथ आपको घंटे बात करनी पड़ती है, तो आप पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं कि आप उस रास्ते से नहीं जाएंगे। इस तरीके से प्लानिंग करने पर आप अपनी मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। उसी तरीके से इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए कि आप लोगों को जल्दी रिप्लाई नहीं करेंगे, यानी जब तक आपके फ्रेंड्स 3 या 4 मैसेजेस आपको कर नहीं देते तब तक आप उन्हें फेसबुक या व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करेंगे। उसी तरीके से हर फोन पहली बार में नहीं उठाएंगे। नेक्स्ट रूल आता है क्विट सोशल मीडिया। सर, ये क्या बोल दिया आपने, सोशल मीडिया ना यूज करें? क्या हमने सोशल नहीं होना, हमारे फ्रेंड्स नहीं? अब सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा, ये ऑथर बोल रहे हैं। सेकेंड, ऑथर बोलते हैं कि नोटिफिकेशन आप में एक हैबिट क्रिएट कर देती है जिससे आप अपना सेल फोन नोटिफिकेशन पर तो देखेंगे ही, लेकिन जब नोटिफिकेशन नहीं भी आएंगी तो भी आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए अपना मोबाइल खोल के फेसबुक देखने लग जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने आधा घंटा इसी चीज पे वेस्ट कर दिया है। इसीलिए हमारे अंदर एक क्राफ्ट्समैन अप्रोच होनी चाहिए, यानी जब तक हमने क्लियरली डिफाइन नहीं कर दिया है कि इस टूल को यूज करने के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, तब तक हमें वो टूल यूज नहीं करना चाहिए। अब आप ये कम से कम
कम 30 दिन तक ट्राई कर सकते हैं जब आप कोई भी सोशल मीडिया साइट यूज नहीं करेंगे, और उन 30 दिनों के बाद अपने से दो सवाल पूछ सकते हैं। पहला, क्या मेरे 30 दिन बेहतर हो सकते थे अगर मैं ये सोशल साइट्स यूज करता, और सेकंड, क्या लोगों को फर्क भी पड़ा मेरी ये सोशल साइट्स ना यूज करने पर। और जेन्युइनली अगर देखा जाए तो एटलीस्ट फेसबुक सिर्फ उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो इंटरनेट मार्केटिंग कर रहे हैं, उनका बिजनेस इन्हीं पर टिका है, और एक स्टूडेंट को इन सब चीजों के बहुत कम बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आता है ड्रेन द शैलोज। कल मैंने 14 घंटे पढ़ाई की, मैं 16 घंटे पढ़ा। ये सारी चीजें हम ऐसे बताते हैं जैसे एक ऑनर है, जबकि कैल कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप बहुत अनप्रोडक्टिव हैं, आप बहुत ज्यादा शैलो वर्क कर रहे हैं और बहुत कम डीप वर्क कर रहे हैं। अगर कोई इंसान वो चीज 6 घंटे में अचीव कर रहा है जो आप 15 घंटे में अचीव कर रहे हैं, तो आप बहुत कम प्रोडक्टिव हैं। और अगर आप भी प्रोडक्टिव होना चाहते हैं तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं और कितना एक्चुअली डीप वर्क कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 14 घंटे में से आप डीप वर्क सिर्फ 2 घंटे कर रहे हैं। और सेकंड, अपने पूरे दिन के एक एक मिनट को स्केड्यूल कीजिए कि आप कब सोएंगे, डीप वर्क कब करेंगे और सोशल टाइम कितना देंगे। ऑब्वियसली ये 100% फॉलो नहीं होगा, लेकिन आपको एक आइडिया देगा, डायरेक्शन देगा कि आपको अपना दिन किस तरीके से बिताना है। दोस्तों, हमने आपको ये सारी बातें कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से बताई है, तो अगर आप इनमें लिखे हुए बाकी आइडियाज को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।